बहुत परेशान है, पूरे टीन निकाल के फेंक दी, इतना पानी गिरा और घर गिरने की भी वो थी, और रात को भी इतनी हवा चल रही और हम परेशान, फिर हमने जान डाल ली, अब क्या करें टीन। मैंने बोला अब इसके वो मंत्री जी तो आए भी नहीं, अब वो हेलीपैड हमको 4-5 रोज पहले से आगे उन्होंने निकालने लगा दिए टीन, फिर छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर, हम बताओ वही ना, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। आज एक हमारे बस्ती है धारनी से हाई स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है कि आज आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन वो आने के बावजूद यहाँ पे एलिफेंट बनाया, एलिफेंट बनाने से यहाँ पे जो भी गरीब गरीब लोगों का जो झोपड़ियाँ बना है उनको 5-8 दिन पहले झोपड़ी का टीन निकालने लगाया, और 2 दिन पहले यहाँ पे मौसम खराब होने से हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर अंतर में चिकलदरा तहसील में गारपीट हुआ। अच्छा हो गया वो गारपीट वहाँ पे रुक गया, इधर धारनी तहसील में धारनी में नहीं आया, नहीं तो इनका हाल बहुत ख़राब हो जाता था। आज बहुत गरीब का बहुत बड़ा समस्या है, आज देखो छोटे छोटे बच्चे इन पे क्या बच्चे। जब इन पे क्या अन्याय होता था जब ऐसे ऐसे बारिश होता था, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि आदरणीय एसडीओ मैडम, आदरणीय अमरावती जिले के अमरावती जिले के कलेक्टर महोदय और पालक मंत्री, आप लोगों से और एसडीओ मैडम तहसीलदार, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हो, इनके जो भी झोपड़ी से आप लोगों ने ये निकाला है इनको डालने को बोले, कि अभी मौसम बहुत खराब है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हवामान का ये है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का तालुक जिला ग्रामीण अध्यक्ष के नाते बोल रहा हूँ, मुझे गरीबों का साइन नहीं होता है, आप लोगों सभी लोगों को जब यहाँ पे एलिफेंट बना रहा, एलिफेंट का जगह है लेकिन आप पे वहाँ पे भी बनाया तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन किसी गरीब का दिल को नहीं दुखाना, ऐसे बोलकर मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता है। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी।